मॉर्निंग एवरी वन, वेलकम बैक टू माई चैनल। मैं रिशा, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज की वीडियो ना थोड़ी सी लंबी हो गई है। हमेशा मेरी वीडियो 10 मिनट के अंदर की रहती है, 9 मिनट, 7 मिनट, 8 मिनट, बहुत ज़्यादा हुआ तो 11 मिनट की होती है, 12 मिनट की। लेकिन आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है क्योंकि मैंने दो दिन की फुल रूटीन इसमें शेयर कर रही हूँ, होलिका दहन की और होली के दिन की। तो कैसा रहा ये दोनों दिन, आगे वीडियो में आपके साथ शेयर करती हूँ। तो बस यहाँ संडे का मॉर्निंग हो रहा है, होलिका दहन का दिन था, थोड़ा देर से ही सो के उठना होता है। आज हमें शक्कर वाली चाय पीने की मन कर रही थी क्योंकि हम लोग बिना शक्कर के ही चाय पीते हैं, और कभी कभी मन कर दिया ना तो फिर शक्कर वाली चाय बना लेते हैं, लेकिन रोज़ बिना शक्कर वाली चाय पीते हैं। तो एक साइड मैंने मसाला भी कूट के बनाया क्योंकि मसाला जो मैं बना के रखती हूँ ना वो ख़त्म हो गया था। तो मैंने ब्लैक पेपर, थोड़ी सी लौंग, दालचीनी, तेज़पत्ता, ये सारी अदरक, ये सारा कूट के डाला है। अभी मुझे वो मसाला बना के रखना है। तो चाय एक साइड बन रही है। आज सुबह ही मुझे भूख लग गई क्योंकि देर से उठा है ना तो भूख भी लग गई, तो साथ में एक खाखरा ले लिया है। वैसे ये जो खाखरा होता है ना हम नहीं खाते थे, पहले जानते थे लेकिन खाते नहीं थे। मुझे लगता था इतना छोटा सा, मतलब खा के क्या ही पता चलेगा। लेकिन जब सिद्धि बीच में, सिद्धि भैया मेरे दोस्त लोग आए थे ना, वो लोग के साथ मैंने खाया ना तो लगा कि हाँ एक खा लो तो थोड़ी मोड़ी जो भूख होती है ना वो ख़त्म हो जाती है, अच्छे से पता चलता है। तब से मैं रेगुलर लेके आती हूँ उसको, और जब भी ऐसे भूख लगता है ना थोड़ा हल्का फुल्का तो वो खा लो, एक खा लो ना काफ़ी, मतलब हो जाता है एक बार के भूख के लिए। तो बस उसके बाद बालकनी थोड़ी सी साफ़ करनी थी, तो मुझे लगा नहाने के पहले थोड़ा इसको साफ़ कर देती हूँ। कुछ दिन पहले प्लांट वगैरह लगाए थे ना तो मिट्टी वगैरह बहुत गिर गई थी, तो बस यहाँ पे थोड़ा सा बालकनी साफ़ किया। उसके बाद देर हो रही थी तो लगा नाश्ता इनको भी दे देती हूँ, मैं भी कर लेती हूँ, फिर उसके बाद नहाने जाती हूँ। यहाँ पे थोड़े से फ्रूट्स मतलब लिए हैं, कट किए हैं जो थे, और बड़ा बनाया था ना पिछले वीडियो में आपके साथ शेयर किया था, वो बचे हुए थे सूखे बड़े, तो साथ में चार चार वो ले लिया था। तो वो हमारा नाश्ता हो गया। बस उसके बाद गई, शावर ली और बस यहाँ कंघी वगैरह करूँगी, भगवान जी के सामने दिया वगैरह जलाऊँगी। और आज मंदिर भी जाना है शाम के टाइम, वहाँ होलिका दहन का वो है, पूजा है ऐसे, तो वहाँ जाएंगे क्योंकि संडे है, छुट्टी है, कहीं ना कहीं निकलते ही तो लगा वहाँ पे कुछ ऐसे फंक्शन वगैरह भी है तो वहीं चलते हैं। तो वहाँ की भी वीडियो आगे आपको देखने को मिलेगी। और यहाँ पर ना थोड़ा सा आलू का मसाला बनाई थी तो वो बचा हुआ था, तो मुझे लगा उसी का पराठा बना देते हैं, और रात का खाना ना सोचा है कि वो मंदिर में ही फूड भी है वहाँ पे खाने का, तो लगा वहीं पर खा लेते हैं। तो बस यहाँ पे दो दो पराठे ऐसे सेक रहे हैं, साथ में चटनी, अचार के साथ किसी के साथ भी खा लेंगे। तो ये पराठा सेका, अचार लिया और उसके साथ खाते हैं। और फिर उसके बाद में अभी यहाँ पे दोपहर का टाइम ऐसे हो रहा होगा, 2 बजे का टाइम ऐसे हो रहा होगा, और साथ में हमने मूवी लगा ली थी कल रात में, ये मूवी देखा था लेकिन इतनी पास मूवी थी कहने को नहीं, तो रात में देखा था, पूरा नहीं हुआ था, तो दिन में ऐसे थोड़ा पूरा किया उसको, और बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, बस टाइम पास के लिए खाना खा रहे थे तो लगा लिया था। और फिर यहाँ पे शाम हो गई है, 4 बज गया है, हम 4-5 बजे के बीच में निकल गए थे यहाँ पर, वहाँ पर मंदिर के लिए, क्योंकि वहाँ पर ना पार्किंग मतलब नहीं मिलती, इतनी ज़्यादा भीड़ हो जाती है ना कि पार्किंग मिलने में मुश्किल होती है। तो हमें लगा थोड़ा हम जल्दी चल लेते हैं तो जल्दी पार्किंग मतलब खाली मिल जाएगा हमें आराम से। तो मैंने चाय बना के पैक कर लिया है, घर पे नहीं पी रही हूँ अभी चाय पीने का, वैसे टाइम भी नहीं हुआ था, थोड़ा लेट से ही खाना खाया था तो थोड़ा लेट से ही चाय पीने का मन कर रहा था, तो चाय भी पैक कर लिया है, थोड़ा सा पानी भी ले लिया है, कार में रख देंगे, फिर बाद में जब लगेगा तो कार में वहीं पी लेंगे। तो यहाँ पर आई बस मंदिर में, थोड़ा दर्शन वगैरह किया, यहाँ पर पूजा हो रहा था और सत्यनारायण भगवान जी की जो कथा होती है ना वो हो रही थी। अभी फिर इसके बाद कुछ फंक्शन वगैरह, डांस वगैरह का भी है, वहाँ पर चलते, वहाँ पर भी आपको दिखाती हूँ। बस यहाँ से हमने दर्शन किया, थोड़ी देर 5-10 मिनट हम लोग भी बैठे ऐसे कथा सुनी, लेकिन ये काफ़ी लंबा शायद चलता अभी, तो वहाँ पर फंक्शन हो रहा था तो हम वहाँ पर चले गए थे। So the Daisy Swaggers, the boys come backstage. Oh.
और एक आध घंटे हम लोग वहाँ पर रहे। फिर उसके बाद पार्किंग थी, कार थोड़ी दूर में पार्क किए थे तो वहाँ चले आए थे। बस ये चाय पानी आके वहाँ पर पिया और उसके बाद चाय वगैरह पी लेते हैं ना तो फिर चलते हैं। होलिका दहन में ना काफ़ी टाइम है, मतलब 8 बजे का टाइम दिखा रहा था होने का, लेकिन होते होते ना 9:30 बज गया था और हम लोग बहुत ही ज़्यादा थक गए थे। जैसे जैसे थोड़ी रात हो रही है ना तो मंदिर की लाइटिंग और भी अच्छी लग रही है, लेकिन अभी आप वीडियो देखते रहिएगा कि कितना अभी उजाला है ना। और वहाँ पर जहाँ पर लोग इकट्ठा है ना वहाँ पर होलिका दहन होगी। मंदिर से थोड़ा दूर बनाया है क्योंकि आग वगैरह रहती है ना, यहाँ पर देखिए यहाँ पर बनाया है, लेकिन अभी देखिएगा कितना उजाला है। अभी होलिका दहन करते करते ना लोग इतना ज़्यादा पूजा पाठ इतना कर रहे थे इनका ना, कि फिर ये सब करते कराते ना बहुत रात हो गई थी। 9 तो हम लोग को यहीं बज गया था, 8 बजे का ऐसे टाइम था, 8:30 के बीच का ऐसे टाइम था, लेकिन यहाँ पर ना करते कराते ये सब होलिका दहन का, फिर लगा इतनी दूर आए ही हैं तो हो जाता है तब चलते हैं, वरना एक मन किया तो फिर चल लेते हैं। लेकिन यहाँ पर देखो 9 बजे का टाइम हो गया था और फिर होलिका दहन हुआ। बस हमने थोड़ा सा बस देखा ये होलिका दहन, फिर उसके बाद जल्दी से ही निकल आए थे क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ थी यहाँ पर ना कि फिर वही कार निकालने में दिक्कत होती थी। बस हम यहाँ पर बस इतने थोड़े देर थे, अभी मैं दूर से भी दिखाती हूँ, बहुत ही लोग आए थे, इतना हमें पता नहीं था कितने लोग आएंगे, लेकिन अभी जब तक हम निकल रहे थे ना तब तक लोग आए जा रहे थे कार से। तो बस यहाँ पर ये हो गया और रात में मंदिर दिखाती हूँ, इतना सुंदर लग रहा था रात में, इसकी लाइटिंग बहुत अच्छी लग रही थी। बस वहाँ से निकल आए और वहाँ पे भी खाना नहीं खाए क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ थी और कुछ ज़्यादा अच्छा था भी नहीं, तो हम आ गए घर पे, सोचा घर पे कुछ बना लेते, लेकिन आते आते ना 8:30 बज गया था, तो फिर लगा घर पे आएंगे कब बनाएंगे कब खाएंगे, और उसी चक्कर में मैंने नहीं बना के गया था, मतलब सुबह कोई तैयारी नहीं की थी क्योंकि वही मंदिर में खा लेंगे, तो उस चक्कर में वहाँ भी नहीं खाए और बहुत ज़्यादा लेट भी हो गया। तो घर पे आते टाइम ना पिज़्ज़ा वहीं से ऑर्डर कर दिए थे, बस पिक करके आ ही रहे हैं पिज़्ज़ा। आराम से बैठ के ड्रेस चेंज किया और बहुत ज़्यादा थकान हो गई क्योंकि हम लोग 4 बजे का निकले हैं, घर पे आते आते ना 9:30 बज गया था, तो खड़े खड़े यहाँ पे खड़े रहो वहाँ खड़े रहो वहाँ बैठे रहो, इतना ज़्यादा टाइम हो गया ना कि बहुत ज़्यादा थकान हो गया, तो लगा बस पिज़्ज़ा खा के सो जाते हैं, और हम बस पिज़्ज़ा खाए और सो गए। ये हो गई है नेक्स्ट डे की मॉर्निंग, अभी सो के उठ रही हूँ, लगा वीडियो का भी स्टार्ट करती हूँ और आगे वीडियो कंटिन्यू करती हूँ। तो कल भी कुछ भी नहीं किया, किचन जैसे चाय वगैरह बना के गई थी सारा चीज़ वहाँ पर, तो जो कप लेके गई थी बॉटल वगैरह सारा, पिज़्ज़ा का प्लेट वगैरह कुछ नहीं किया था, बस वही यहाँ पे बता रही हूँ, लेकिन वॉइस मतलब थोड़ा स्लो था तो मैं म्यूट करके वॉइस ओवर कर रही हूँ इस जगह पर। तो लगा बस अभी एक साइड चाय बनाते हैं और ये सारा जितना भी पिज़्ज़ा का डब्बा है और बर्तन जितना था, सुबह उठ के पहले बर्तन धोया, अभी भी किचन फैला हुआ है लेकिन धीरे धीरे अभी साफ करती हूँ सारा पहले। और आज के दिन यहाँ पर होली थी ये, तो मैं वीडियो बहुत लेट से डाल रही हूँ, तो बस थोड़ा बहुत किचन साफ़ करूँगी और ये विंडो वगैरह का कर्टन वगैरह सारा खोल देती हूँ, और उसके बाद में चाय पीने के बाद में मैं चलूँगी नहाने क्योंकि आज होली का दिन है और कुछ मतलब मुझे खाना वाना भी बनाना है, इनका तो ऑफिस चल रहा है, मैं खाना वगैरह फिर बनाती हूँ। और यहाँ पर ना उड़द की दाल मैंने कल रात में सोचा था कि मैं भिगा के सोऊंगी, लेकिन वही इतना ज़्यादा थकान था कि बिल्कुल कुछ भी याद नहीं आया, तो लगा कि ये सुबह में ही पहले भिगा देती हूँ और उसके बाद सारा काम वाम करते कराते ना फिर ये फूल जाएगा। और आज सूरन की सब्ज़ी बनाने जा रही थी तो मैंने इसको धो के काट के मैं सोची फिर उसके बाद नहाने जाती हूँ, तो यहाँ पर वही मैं धोया और काटा और फिर उसके बाद नहाने चली गई थी। नहा के आई हूँ भगवान जी के सामने, थोड़ा दिया वगैरह भी चलती हूँ चलाती हूँ अभी, मतलब ये सब्जी काट के गई थी ना, ये सूरन ही है लेकिन थोड़ा सा पता नहीं अजीब सा सूरन था, थोड़ा इसमें बहुत लासे थे, तो वो धो के रख के गई थी। बस भगवान जी के सामने मैंने थोड़ा सा दिया जलाया और कल का जो पिज़्ज़ा बचा हुआ था ना, हमने 2 ले लिया था, कल का पिज़्ज़ा बचा हुआ था तो लगा सुबह में यही खा लेते हैं, तो बस मैंने वो कढ़ाई पे गरम किया, साथ में गुजिया लिया, तो ये हमारा मतलब दोपहर का खाना हो गया, वही बचा हुआ था तो लगा लाओ ख़त्म कर लेते हैं। और ये जो मैं खाना बना रही हूँ फिर रात के लिए डिनर के लिए बना रही हूँ, यहाँ पे मैं आज सूरन की सब्ज़ी बनाऊँगी, दही बड़ा बनाऊँगी, राइस और पूड़ी सैलड यही सब रहेगा रात के खाने में, दिन में तो हमारा हो गया है, अभी भूख भी नहीं है, लगेगी तो इतनी जल्दी मैं बना दे रही हूँ कि ये भी खा सकते हैं। यहाँ पे पहले मस्टर्ड ऑयल डाला, सूरन को अच्छे से मैं सेक ले रही हूँ, मतलब आप चाहे तो डीप फ्राई भी कर सकते हो लेकिन ऐसे कर ले रही हूँ ज़्यादा तेल ख़राब ना हो। एक साइड जब तक वो होगा ना तब तक मैं मसाले ये सब रेडी कर लेती हूँ। यहाँ पे मैं प्याज लहसुन मिर्ची अदरक एक प्लेट में रखा है, एक प्लेट में टमाटर रखा है, दोनों का अलग अलग मैं यहाँ पे
प्यूरी बना लेती हूँ। वो पहले बना के निकाल लिया है, प्याज मिर्ची लहसुन अदरक का पेस्ट और एक फिर टमाटर उसी में पीस दिया है। ये जो पेस्ट है ना, इसी में मैं सारे मसाले ऐड कर दे रही हूँ, जो बेसिक मसाले होते हैं, गरम पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल कश्मीरी लाल मिर्च, ये सारा चीज़ इसी में मिक्स कर दे रही हूँ ताकि मसाले जले नहीं। वैसे मैं पानी में घोलती हूँ, लेकिन ऐसे भी करो ना तो भी बहुत अच्छा बन जाता है। यहाँ पे तब तक सूरन हो गया था और इतना क्रिस्पी हुआ था ना, कहने के लिए जितना इसमें लासे थे उसके मुकाबले तो एकदम अच्छा देखने में लग रहा था कि नमक डाल के ऐसे भी खाओ ना तो भी बहुत अच्छा लगेगा। तो बस यहाँ पे फिर से थोड़ा सरसों का तेल डाला, उसमें तेज़पत्ता, थोड़ी सी जीरा, साबुत जीरा, थोड़ा सा हींग का तड़का दिया है। उसके बाद ये जो प्याज लहसुन मिर्ची सब पीसी थी ना, उसमें सारे मसाले जो डाले थे ना, उनको पूरे एक साथ डाल के मीडियम फ्लेम पे अच्छे से मैंने भुना है। और उसके बाद ये जब भुन गया था ना, तो उसके बाद में फिर टमाटर की जो प्यूरी थी ना वो डाल दी है, उसको डाल के भुनूंगी और थोड़ा सा नमक डाल दीजिए साथ में ताकि जल्दी से टमाटर सिज जाए। और उसके बाद ये सूरन जो सेक के रखी थी ना, वो डालने के बाद थोड़ी देर इसको भी भुना है मसाले के साथ, क्योंकि सूरन में तेल वगैरह था ना, तो अच्छे से मसाले भी भुन जाएंगे। उसके बाद बस वही पानी ऐड करके रख दीजिए मीडियम फ्लेम पे, क्योंकि सूरन को मैंने पकाया है तो फिर बहुत ज़्यादा इसमें पकने के लिए टाइम नहीं लगेगा। और सूरन थोड़ा सा मैंने सोचा कि डाल देती हूँ इसमें वो क्या बोलते हैं, अमचूर पाउडर, तो वो डाल दिया है। बस मिक्स करके रख दे रही हूँ, ये पक जाएगा। तो ऊपर से मैंने धनिया का पत्ता डाल दिया है। बस ये सब्जी बन गई है, अभी चल रही, इसको ढक देती हूँ थोड़ी देर के लिए, 2 मिनट के लिए वैसे। और उसके बाद में यहाँ पर ये फूल गया था साबुत उड़द दाल है, और छिलके बिना छिलका का ही लेती हूँ ना, तो फिर धोने में बहुत इजी होता है। तो ये फूल गया था, इसमें छोटा सा अदरक का पीस डाला और एक मिर्ची डाला, मिक्सर में अच्छे से पीस लेती हूँ। हल्का सा पानी डाल के पीसेंगे ना तो पीस जाएगा, ड्राई एकदम तो नहीं पीस पाता है। हल्का सा मैंने पानी डाल के यहाँ पर पीसा है अच्छे से। मिक्सर को 2 मिनट और ज़्यादा चला देंगे ना तो आपको हाथ से कम फेंटना पड़ेगा, तो मैंने चलाया है लेकिन थोड़ी देर मैंने हाथ से भी फेंटा है। यहाँ पर एक वही जिसमें मैंने भिगाया था उसी बर्तन में निकाल ले रही हूँ, और अभी हाथ से इसको थोड़ा सा नमक डाल के हाथ से भी एकदम अच्छे से फेटेंगे ना तो फ्लफी जैसा हो जाएगा। और आपको चेक करना हो तो आप पानी, किसी भी कटोरी में पानी ले लीजिए, उसमें ये डालेंगे ना तो अगर ये फ्लफी हो गया है ना तो ऊपर आ जाएगा। वैसे मैंने नहीं किया है, मुझे पता था कि ये हो गया है तो इसलिए मैंने पानी वाला नहीं ट्राई नहीं किया था। अभी सीधे तेल में डालूंगी तो देखिएगा एकदम अच्छा सा गोला गोला बना हुआ था। काफ़ी दिन से सोच रही थी बनाने का, बना नहीं पा रही थी, और लगा आज होली है, होली के दिन बनाते ही हैं, तो लगा लाओ आज बना देते हैं। तो सब्जी भी एक साइड हो गई है, ये मैंने पीस के रखा हुआ है, और यहाँ पर ना मुझे लगा कि तेल में चढ़ा ही रही हूँ तो थोड़ा सा प्याज का पकौड़ी भी बना देती हूँ साथ में, आज ऐसे त्यौहार है। तो बस यहाँ पे प्याज चॉप कर रही हूँ, प्याज में पानी मत डालिए, कितनी वीडियो में मैंने बता चुका है, अगर आप पानी डालोगे ना तो जो पकौड़ी बनती है वो क्रंची नहीं बनेगी, सौगी सौगी जैसे बन जाएगी। तो यहाँ पे मैंने प्याज को धो लिया था, उसमें बेसन डाला, वही जो चीज पड़ता है, बेसन और नमक, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर और हरी मिर्च, थोड़ी सी जीरा, साबुत जो जीरा होती है वो। पानी नहीं डाल के आप ऐसे ही प्याज को मिक्स करेंगे हाथ से ना, तो वो इतना पानी उसमें रहता है ना कि ये हो जाएगा। और थोड़ी देर नमक वगैरह रहता है, थोड़ी देर छोड़ देंगे तो वैसे भी वो हो जाएगा, तो एक्स्ट्रा पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर देखिए तेल में जैसे मैं डाल रही हूँ ना, वैसे वो ऊपर आ जा रहा है, तो इसका ये बहुत फ्लफी बना था, बहुत अच्छा बना था। बस इसको छोटा सा ही ये छानने वाला जो पैन है ना, छोटा सा ही है, तो मैं इसको 2 बार में निकाल ले रही हूँ धीरे धीरे करके। और उसको निकालने के बाद में उसी तेल में मैंने प्याज वाली जो पकौड़ी थी ना वो बना दी है। ये आपको ज़्यादा ऑरेंज इसलिए लग रही थी क्योंकि फूड कलर में थोड़ा सा डाल दी थी, लेकिन ज़्यादा गिर गया, गलती से हाथ से ना ज़्यादा गिर गया, इसलिए ज़्यादा ऑरेंज ये हो गया है। तो बस इसको निकालूंगी और थोड़ा सा पानी गर्म किया और एक बर्तन में उसमें थोड़ा सा हींग, थोड़ा सा नमक डाल के मिक्स कर दूंगी, और ये जो दही बल्ले थे ना इसमें पानी में डिप कर दूंगी। पूरा नहीं कर रही हूँ, जितना खाना है अभी आज के लिए उतना ही कर रही हूँ, थोड़ा सा ड्राई रख दूंगी, जब कभी खाना होगा तो फिर वैसे बना लेंगे। तो यहाँ पर ये पकौड़ी वाली जो प्लेट थी उससे थोड़ा मैं ढक दे रही हूँ, और उसके बाद में जो बर्तन थे ना इसमें जिसमें छाना था हमने,
उसमें सारा तेल निकाल दिया है उसका, और इसमें थोड़ा सा देसी घी डाला है, थोड़ा सा जीरा का तड़का दिया है। लगे हाथ में राइस भी बना दे रही हूँ और आटा वगैरह भी लगा के रख दूँगी अभी, ताकि शाम में सिर्फ पूड़ी बनाना रहे। तो यहाँ पर दही भल्ले भी बना लेती हूँ। दही में मैंने थोड़ा सा नमक डाला, थोड़ा सा शक्कर डाल के पहले आप मिक्स कर लीजिए। पानी अभी मैं बाद में डालूँगी, नहीं तो अगर पानी डालूँगी ना तो ये अच्छे से मतलब मिक्स नहीं होगा, मतलब बीच में गुठलियाँ पड़ जाती हैं। तो मिक्स करने के बाद में थोड़ा सा पानी से मैंने थोड़ा सा उसको पतला कर लिया है। और यहाँ पर एक प्लेट में जितने भी दही भल्ले थे वो रख लिए हैं, ऊपर से मैं इसमें दही डाल दूँगी। और लाल वाली जो चटनी, खट्टी मीठी वाली जो चटनी बनती है इमली की और उसकी और धनिया पत्ती वाली, वो चटनी मेरे पास जो मैं पटेल से समोसे लेके आती हूँ उसमें मैंने पाउच दिखाया ना, वो पाउच मिलता है ना, तो वो बहुत इजी हो जाता है, मुझे बनाना नहीं पड़ा, मतलब बहुत जल्दी बन जाता है। दही भल्ला बस छानना ही रहता है और ऊपर से ये तो करने में टाइम नहीं लगता है। यहाँ पे दोनों चटनियाँ डाली, थोड़ा सा जीरा पाउडर डाला, थोड़ा सा काला नमक डाला, थोड़ा सा यहाँ लाल मिर्च पाउडर डाल दी, थोड़ा सा चाट मसाला डाला, ये थोड़ा सा ऊपर से मिंट का पत्ता डाल दी हूँ, थोड़ा खाने में अच्छा आएगा। ये हमारा दही भल्ला बन गया। एक साइड मैंने राइस डाली दी है, सब्जी बनी गया है, पकौड़ी भी बना लिया है। अभी मुझे आटा गूंथना है। दही भल्ला मैंने एक टेस्ट किया, इनको भी दिया खाने के लिए, क्योंकि खाना सुबह वही पिज़्ज़ा खाए थे ना, तो खाना नहीं खा के वही दही भल्ला ही खा लिए थे। तो ये करते कराते शाम का 4 बज गया था और बहुत ज़्यादा फिर से थक गई हूँ, तो लगा कि ना चाय अभी मतलब 1-1 घंटे बाद भी चाय पीते तो चलता, लेकिन मुझे लगा ना सारा काम अब करके ही बैठती हूँ। एक साइड मैंने चाय चढ़ाई, वो चाय हो रहा है, क्योंकि दोपहर में देर से ही खाना बनाने के लिए लगी थी, 1-1.5 बजे से शुरू ही किया था, 2 बजे से ऐसे, और फिर उसके बाद एक साइड चाय बनाया और फिर ये आटा गूँथ के रख दिया है पैक करके। सारा बर्तन भी साफ़ कर दिया है लगे हाथ में, मतलब मैं काम करते रहती हूँ, बर्तन साफ़ करते रहती हूँ, वरना नहीं तो बर्तन इतना ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है ना, फिर उसके लिए अलग से साफ़ करना पड़ता है और फिर आलस भी आता है। ज़्यादा थोड़ा बर्तन है आप साफ़ कर दो ना, ज़्यादा बर्तन हो जाता तो फिर बहुत आलस आता है कि अच्छा अभी साफ़ करते हैं आराम से। तो यहाँ पे सींग भी एक बार मांस दिया है, बस बैठ के आराम से चाय पीऊँगी। खाना सारा हो गया है, चावल भी पक गया है, बस मुझे रात में पूड़ी निकालना है, थोड़ा सा रात में सैलेड निकालूँ। और काम करते करते ना किचन भी बहुत फैल जाता है, तो जो भी मिक्सर है, डब्बे हैं, जो जहाँ पे रखे जाएंगे जगह पे मैं रख देती हूँ, ताकि किचन भी थोड़ा साफ़ हो जाए। बस आराम से बैठ के चाय पिया और उसके बाद मैंने कुछ भी नहीं किया था, सीधे आपको रात में मिल रही हूँ ये पूड़ी छानने के टाइम पे। एक साइड मैंने तेल चढ़ाया, बस यहाँ पर कुछ पूड़ियाँ निकाल लेती हूँ, कल इनका ऑफिस भी है तो मुझे लगा कि आज ही निकाल के रख देती हूँ, सब्जी वगैरह खाना तो बहुत ज़्यादा है ही। तो बस पूड़ी निकाला, यहाँ पे अपना रात का खाने का प्लेट रेडी कर रही हूँ और इसी के साथ वीडियो का एंड मैं यहीं करती हूँ। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलती हूँ मैं आपको एक नए वीडियो